Okay जी, this is part of इसमें मैंने क्या डिस्कस करना है इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आय अपल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल या आयन को मूव कराना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब हमारे पास वही है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली ए से एनर्जी लेती है जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करती है जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होके एनर्जी स्टोर हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उस एनर्जी को यूज करके अपनी ट्रांसपोर्ट करती है तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली एनर्जी नहीं यूज़ करती बल्कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टोर हुई है उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है ठीक है वैन प्राइमरी एक्टिव अच्छा होता क्या जी प्राइमरी एक्टिव ट्रांस मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था मैं को दोबारा समझाया था इन पार्ट वन समझाया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है जनाब के एक पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन से ये फॉर इंस्टेंस ये मेमब्रेन है और यहाँ पे जनाब हमारे ये आयंस पड़े हुए हैं अब इस आयन ने यहाँ से अब यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ से इसको यहाँ पे मूव करने में हमने जोर लगा के यहाँ भेज दिया ए टी पी लगाया हमने कहा चलो भागो इधर जोर लगाया ना मैंने सुबह गया इधर ठीक है तो ये होगी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक होगी अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ये होगी अब यहाँ पर हो गया कॉन्सन्ट्रेसन ग्रेडियंट ज़्यादा अब यहां से ऑटोमेटिकली यहां पे कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है यहां पे तो कुछ है ही नहीं अब ये वापस इधर को भागेंगे वापस इधर को भागेंगे और जब ये वापस इधर को भागेगा तो ये अपने साथ किसी ना किसी चीज़ को बाइंड करा के ले जाएगा जिस तरह ये पड़ा हुआ है वो कह चल यार तू भी आ जाओ मैं जा रहा हूं तो तुम भी आ जाओ तो वो यहां से इसको अपने साथ बाइंड करके यहां ले जाएगा तो अब इसकी जो ट्रांसफ़र है ये जो साहब मुफ्ते में यहां पर आ गए हैं ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई है कहने को तो ये विदाउट एनी एनर्जी आ गया मगर एक्चुअली एनर्जी पहले इसके अंदर सेव हुई थी वो एनर्जी बाद में यहाँ से यहाँ जब ये यह जा रहा था तो ये ऐसे इसके साथ इसकी गाड़ियों में बैठ गया और कहता चलो आ जाओ भाई और यहाँ पे आ गया तो इसको कहते हैं तो सेकेंडरीली वो एनर्जी यूज़ की जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ने पहले स्टोर की थी ठीक है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब उसमें अगर दोनों एक ही तरफ मूव करेंगे तो को ट्रांसपोर्ट है अगर दोनों ऑपोजिट तरफ मूव करेंगे तो काउंटर ट्रांसपोर्ट है ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो ये एग्जाम्पल हैं अगली स्लाइड में हम इन इन देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कैल्शियम पंप हाइड्रोजन पंप और कोर काउंटर ट्रांसपोर्ट की ये एग्जाम्पल्स हैं ठीक है थीके? अब पहले मैं इन्हें दिखाता हूँ कि होता गया ताकि आप लोगों को ज़्यादा ईजी रहे अच्छा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनाब कुछ इस तरह हो रही है ठीक है अच्छा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब ये है सोडियम पोटेशियम पंप ये वाला पार्ट यहां पे कैल्शियम पंप यहां पे हाइड्रोजन पंप और यहां पे इनकी एनर्जेटिक्स का मैंने जिक्र किया ठीक है थीके? अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तीन एग्जांपल्स है सोडियम पोटेशियम पंप यानी कि सोडियम पोटेशियम ए पंप भी कहते हैं कैल्शियम पंप या कैल्शियम ए या हाइड्रोजन पंप या हाइड्रोजन ए पंप ठीक अब सोडियम पोटेशियम इन सारों में सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम ए है बार बार इसका जिक्र आना है हर जगह पर ठीक है अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो इसके दो पार्ट एक ये रेड कलर में जो पार्ट है वो है अल्फा सब यूनिट और जो पिंक में पार्ट है है वो बीटा सब यूनिट ठीक है अब सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है कि सोडियम पंप थ्री सोडियम आयंस को अंदर से सेल के अंदर से बाहर फेंकता है जबकि टू पोटेशियम आयन को सेल के बाहर से अंदर की तरफ फेंकता सोडियम विल विल मूव मूव आउट एंड पोटेशियम इन। ठीक है, यह काम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का उस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के दो सब यूनिट रेड कलर में अल्फा सब यूनिट और ये पिंक कलर में बीटा सब यूनिट ठीक है और होता क्या है कि अंदर वाली साइड पे लगा होता है एटीपी ये एटीपी टूटता है अपनी एनर्जी देता है और एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एटीपी टूट के एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और और अपनी एनर्जी लगाता है और ये एनर्जी क्या करती है तीन सोडियम को बाहर फेंकती है और दो पोटेशियम को अंदर ले आती है ठीक है भाई सोडियम को बाहर फेंकने में और पोटेशियम को अंदर लाने में एनर्जी क्यों लग रही है एनर्जी इसलिए लग रही है क्योंकि सोडियम बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो सोडियम को अंदर से बाहर फेंकने में एनर्जी लगेगी जबकि पोटेशियम अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो पोटेशियम को बाहर से अंदर लाने में एनर्जी लगेगी तो ये पूरा जो सोडियम पोटेशियम ए टी पी एज पम्प है जो पूरा पंप है ये काम करता है इसको बाहर फेंकने का इसको अंदर लाने का बाय द यूज ऑफ ए टी पी अच्छा अब इंटरेस्टिंगली होता ये है कि जब तक ये सोडियम जो है ना ये अंदर आके इस साइड पे बाइंड करेगा और ये पोटेशियम इन ऑरेंज ये यहाँ से इस साइड पे बाइंड करेगा और जब तक ये दोनों अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स पे बाइंड ना हो जाएं तब तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती यानी कि दोनों की ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरह होती है यानी कि ये सोडियम है और ये पोटेशियम है जब तक ये दोनों और ये बीच में हम कह दें जी ये है आपका सोडियम पोटाशियम आइटी ये सोडियम आके अंदर वाली साइड पे बाइंड करेगा और पोटेशियम आके बाहर और जब तक ये दोनों बाइंड नहीं करेंगे तब तक दोनों की ट्रांसफर नहीं अगर एक आके बाइंड कर गया तो कोई नहीं एक नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता दूसरी साइड में तो इधर से आके सोडियम लगा इधर से आके पोटेशियम लगा ये यूं कर लेते हैं इसको ना ये ये इधर से आके सोडियम लगा और इधर से आके पोटेशियम लगा और एकदम से कैप सॉरी ऑपोजिट सोडियम आके लगा और फिर एकदम से कन्फर्मेशनल चेंज हुई और सोडियम अंदर मूव कर गई और पोटेशियम बाहर मूव कर ठीक यानी कि अंदर वाली साइड पर आके सोडियम लगा बाहर पे आके पोटेशियम लगा ठीक है और एकदम से कन्फर्मेशनल चेंज हुई और सोडियम बाहर मूव कर गया और पोटेशियम अंदर मूव कर गया ठीक हो गया तो यानी कि दोनों को एक साथ बाइंड करना लाजमी होता है ठीक है अब अगर इन्हीं सोडियम को हम रिवर्स कर दें यानी कि ये तो जोर लगा के हम सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं मगर अगर यहां पे इतना ज्यादा सोडियम हो जाए कि सोडियम ऑटोमेटिकली इस पंप के एक्शन के बावजूद अंदर को मूव करने लग जाए और पोटेशियम बाहर को मूव करने लग जाए तो फिर क्या होता है कि यही रिवर्सल हो जाता है ये एडीपी से एटीपी बनना शुरू हो जाता है इट हैपन्स रियली बट इट कैन हैपन ओके अच्छा अब सिग्निफिकेंस क्या है सोडियम पोटेशियम पम्प की यार सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो है ही हम कहते हैं ना कि सेल के अंदर नेगेटिविटी होती है और सेल के बाहर पॉजिटिविटी होती है कौन मेंटेन करता है भाई सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है गौर करो कि थ्री पॉजिटिव आइन्स को बाहर फेंक रहा है और उनके बदले टू को अंदर ला रहा है तो ये तो एक पॉजिटिव आइन बाहर ज़्यादा जा रहा है ना तो अगर बार बार इस तरह ये पोटेशियम पम्प करता रहे तो बाहर तो टोटल पॉजिटिविटी ज्यादा चली जाएगी और अंदर पॉजिटिविटी कम रह जाएगी ठीक है अब ये बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा फेंकने का एक और बड़ी जबरदस्त सिग्निफिकेंस है एक तो रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करता है मगर उससे भी ज्यादा एक और बड़ी जबरदस्त सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट कंट्रोल सेल वॉल्यूम सेल का वॉल्यूम कंट्रोल करता है ठीक है अब सेल के वॉल्यूम को किस तरह कंट्रोल करते हैं जनाब सेल के वॉल्यूम को इस तरह कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या होती है प्रोटीन और प्रोटीन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव अब सेल के अंदर बैठी है प्रोटीन वो प्रोटीन साहब तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल नहीं सकते और प्रोटीन जो कि सेल के अंदर बैठी है और उसका नेगेटिव चार्ज है वो सेल के बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस है ना उन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके अंदर ले आती है ठीक है और जब वो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर अंदर आएंगे सेल के तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज अपने साथ ढेर सारा पानी भी आएंगे और सेल स्वेल कर जाएगा साल के तौर पे ये हमारे पास है सेल अब इसके अंदर है प्रोटीन प्रोटीन का चार्ज है नेगेटिव अब ये अपने साथ अंदर किन चीजों को अंदर लेगा ये कोशिश करेगा कि अंदर आ जाए पॉजिटिव चार्जेस ठीक है अब जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ चुके इसका चार्ज है नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे तो फिर इन पॉजिटिव चार्जेस के पीछे सेल के अंदर क्या आ जाएगा वाटर और सेल स्वेल करने लग जाएगा अब ये जो प्रोटीन साहब अपने साथ अंदर ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस को खींच रहे थे ना सोडियम पोटेशियम पाम कहता है यार इस तरह तो सेल स्वेल कर कर करके फट जाएगा ये जनाब आए हमारे सोडियम पंप साहब ये सोडियम पोटेशियम ए टी पी एस आ गया इसने क्या किया ये आ गया ये सोडियम पोटेशियम ए टी पी एस पंप है पंप ने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी ये पॉजिटिव चार्जेस को पकड़ता है और इन पॉजिटिव चार्जेस को बाहर निकाल देता है चलो जी और इन पॉजिटिव चार्जेस को बाहर निकाल के ये सेल का वॉल्यूम मेंटेन कर देता है सही, तो 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 ये, ये तो था जी हमारा सोडियम पोटेशियम लशियम पंप का क्या काम है कैल्शियम पंप ने क्या करना है ठीक अब कैल्शियम पंप में क्या होता है इसकी भी ए एज एक्टिविटी है इसने भी जोर लगा के ट्रांसपोर्ट करनी है डिस्कस ही सेकेंडरी एक, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है ठीक है ये क्या करता है कि जनाब हमारे सेल के अंदर ना कम होता है कैल्शियम बाहर एक्स्ट्रा सेलूर में में ज़्यादा होता है तो सेल के अंदर से कैल्शियम को बाहर फेंकने में बड़ी एनर्जी लगती है वो कैल्शियम पंप लगाता है वो एनर्जी तो वो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में कैल्शियम को फेंक देता है कैल्शियम पंप दूसरा क्या करता है कि इंट्रा सेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्म से सार को सेल और यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम है ना उसको या तो सेल से बाहर फेंक देगा या साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम है उसको डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक ऑर्गनल्स के अंदर फेंक देगा साइटोप्लाज्म में नहीं रहने देना हमने कैल्शियम को ठीक है ये दो जगह पे कैल्शियम पंप काम करते हैं यानी कि इंट्रा या कह लें कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक एनवायरमेंट से सार्को रेटिकुलम और माइटोकोन्ट्री के अंदर भी कैल्शियम को फेंक देगा ये कैल्शियम पंप बाय द यूज ऑफ कैल्शियम बी और जारी और ये कैल्शियम पंप ज्यादा तब होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है कैल्शियम आयन से होती है तो तब जब कैल्शियम आयन का काम खत्म हो जाता है तो वो कैल्शियम आयन फिर कहते हैं चलो अभी अब इसको बाहर निकाल दो बाहर फेंक दो इसको, या इसको सार्को बाजू रेटेक्लो में से स्टोर कर दो अच्छा नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन ईटीपीज पंप है ये हाइड्रोजन आइन्स को की सेकेंड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है हाइड्रोजन पंप्स किन दो इंपॉर्टेंट जगह पे होते हैं एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे होते हैं एक किडनीज में होते हैं टू बी स्पेसिफिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्राइटल सेल्स होते होते हैं हैं वहां पे होते हैं। ठीक है और वहां से ये हाइड्रोजन प्राइटल सेल्स हाइड्रोजन से क्रिएट करके स्टोमिक में डाल देते हैं और है स्टोमिक की एसिडिक होती है तो कैसे होती है भाई एसिडिक क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो कौन से गैस्ट्रिक्लैंडाइटल कौन से सेल्स जो हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे पराइटल सेल्स उन पराइटल सेल्स में हाइड्रोजन पंप लगे हुए हैं वो अपने सेल से बाहर निकाल निकाल के फेंकी जाएंगे <coughs> सॉरी दूसरी एग्जाम्पल है किडनीज किडनीज में लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर इंटरकेलेटेड सेल्स होते हैं वो इंटरकेलेटेड सेल्स हाइड्रोजन आयन को बाय हाइड्रोजन ए पंप निकाल के यूरिन में फेंक देते हैं लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल में लेट्स ड्रॉ दिस टू ये तो जनाब स्टोमिक हो गया हमारा ठीक है और यहां परिप्शन होगी दूसरा हमारे पास है जी लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल ठीक है ऐसे आए एंड देन वी है तो किडनी में जो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं एंड पे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यहां पे हाइड्रोजन आइन के सिक्रीशन करेंगे इनटू द यूरिन थ्रू इंटरकलेटेड सेल्स और ये भी वो एटीपी एज एक्टिविटी एंड की एटीपी से एनर्जी लेंगे जब इसकी एनर्जेटिक्स का ना बड़ा जबरदस्त सी वो है एक आ, आ, स्टोरी अब अगर किसी चीज को देखो अब अगर किसी चीज को टेन टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करने में किसी सब्सटेंस को एटीपी पंप है ना वो जोर लगा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने में उसको टेन टाइम्स एनर्जी लग रही है फोकस है टेन टाइम्स एनर्जी लग रही सॉरी अगर एक तरफ से दूसरी तरफ टेन टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करने में सपोजिटली एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है ठीक है तो अब अगर हंड्रेड टाइम्स उसको करना है तो कितनी एनर्जी लगनी चाहिए आप हो यार अगर टेन को टेन uh, टाइम्स करने में एक्स एनर्जी लग रही है तो हंड्रेड टाइम्स करने में टेन टेन और हंड्रेड में कितना डिफरेंस है टेन टाइम्स तो टेन एक्स लगेगी ठीक है नो no. उससे डबल एनर्जी लगेगी सिर्फ यानी कि टेन टाइम्स करने में जितनी एनर्जी लग रही है तो हंड्रेड टाइम्स करने में उससे डबल एनर्जी लग रही है होना तो ये चाहिए ना कि टेन टाइम्स अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो जितनी एनर्जी लगे तो ट्वेंटी टाइम्स करने में उसे डबल लगनी चाहिए नो 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 इसका रिलेशन है एनर्जेटिक्स का यानी कि एनर्जी लगने का और कॉन्सनट्रेशन का लॉगरिथम का रेशो है यानी कि अगर जितनी एनर्जी दस गुना उसको कॉन्सेंट्रेट करने में लग रही है ना तो सौ गुना कॉन्सेंट्रेट करने में सिर्फ उसे डबल लगेगी और हजार गुना कॉन्सेंट्रेट करने में सिर्फ उसके थ्री टाइम्स एनर्जी लगेगी ठीक है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके तो ये हमारी हो जी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ले जनाब ये आ गई हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये आपका हो गया है पेज सेट अच्छा जी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है दो तरह की है को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट ठीक है को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है मैंने कहा था ना अब याद है मैंने कहा था कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो को ट्रांसपोर्ट होगी जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी ठीक अब को ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है भाई जितनी ये तमाम चीजें हैं एक दो तीन चार पाँच इन सारे आयन्स और मॉलिक्यूल्स ने को ट्रांसपोर्ट करनी होती है मगर को ट्रांसपोर्ट हमेशा किसके साथ करते हैं सोडियम के साथ और ये हैं जनाब कैल्शियम और हाइड्रोशन हाइड्रोजन आयन इन्होंने करनी होती है काउंटर ट्रांसपोर्ट ये, ये भी उसी सोडियम के साथ करते हैं देखो ये सेल का इन है ये सेल की आउटसाइड है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमने भेज दिया था सोडियम को सेल से बाहर निकाल के चलो दफा हो जाओ सेल से बाहर ठीक है चलो दफा हो जाओ सेल से बाहर तो ये सेल से बाहर चले गए